मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ मी प्राची। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ प्राची और बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्रीम्स कम ट्रू चैनल में। और आज का जो हमारा ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है वो जस्ट अभी 10 बजने वाले हैं या शायद 10 बज चुके हैं। आज संडे है तो इसके सारी चीज़ें थोड़ा सा लेट हो रहा है। जनरली आज भी हमारी क्लास रहती है पर आज छुट्टी है, जिस कारण से आज मैं आराम से बाहर बैठ के धूप सेक रही हूँ। और सर्दियों की धूप का थोड़ा सा मज़ा ही कुछ और रहता है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत कम होता है ऐसा कि इतनी सर्दी पड़ती है, लेकिन हाँ इस बार बहुत सर्दी है। पर अब तो खैर जाने जाने वाली सर्दी है, अब इतनी भी नहीं है। तो चलिए आज हम हॉस्टल की जो हमारे किचन है उसको थोड़ा क्लीन करने का सोच रही हूँ, क्योंकि हालांकि वैसे तो यहाँ पर है कुक है, लेकिन जो क्लीनिंग का जो मेन पार्ट होता है ना वो खुद ही देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हटानी भी है। तो बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आगे का कार्यक्रम। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि आप कौन से हॉस्टल की आप बात कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हो। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पर मैं अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठी हूँ, ये प्राची फाउंडेशन की बिल्डिंग है। यहाँ पर ये हमारी एकेडमी है। मेरी इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा और भी टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं और बच्चे भी हैं, तो यहाँ सबकी मतलब मिलकर हमारी एकेडमी है ये। तो इसी का ये टॉप फ्लोर है, मतलब दो ही फ्लोर है इसके। तो यहाँ पर अभी बैठ के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यहीं पर हम लोग रहते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है वो 6:30 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो घर से यहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है। तो एक रूम है हमारा जो मैं आपके बाद की वीडियो में दिखाऊँगी। ये हमारा एक रेस्ट रूम सब सोच लो, या यहीं पर हम लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बच्चे भी रहते हैं जो दूर से आते हैं कई बार, तो वो भी रहते हैं। तो यहीं पर हम पढ़ाई रहना सब कर लेते हैं और सैटरडे संडे हम घर भी जाते हैं, और नहीं काम ज़्यादा होता है तो फिर हम यहीं रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं कौन से हॉस्टल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मिलाई से अब घी बनाया जा रहा है। बहुत सारी मिलाई इकट्ठी हो जाती है, संडे टू संडे मैं क्या करती हूँ इन मिलाई का घी बना देती हूँ, और ये काम मैं खुद करती हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब घर का घी खाने को मिलता है, बच्चों को देने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी आप मिलाई बनाते हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसको सिम पे ही पकाएं। थोड़ा बहुत हो जाता है नीचे, थोड़ा जलना स्टार्ट हो जाता है बाद में जब जैसे जैसे घी बनना शुरू हो जाता है तो। लेकिन जब स्टार्टिंग आप प्रोसेस करते हो तो ये आप सिम में ही करें। टाइम लगेगा आपको, आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि जितनी आपकी मिलाई होगी उतना ही आपको समय लगेगा। तो मेरे पास मिलाई काफ़ी कम है, देख ही रहे होंगे आप कढ़ाई में। अब कुछ इस तरह से हो गई, इसने घी छोड़ना जो है वो तकरीबन शुरू कर दिया है। अब थोड़ी सी देर में ही इसका जो घी है वो ऊपर आ जाएगा। मिलाई से घी बनने का कार्यक्रम जो है तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब मैं जो मेरी मिलाई है वो बड़े आराम से करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप जब भी करिए बड़े आराम से करिए। पूरा घी जो है मैंने इससे निकाल लिया। काफ़ी देर तक आप ऐसे रखिए, फिर स्पून की हेल्प से आप जो बचा हुआ ऊपर ये बचा हुआ ये जो ऊपर आप मिलाई देख रहे हो उसको स्पून से आप थोड़ा सा करिए, ताकि जो बचा हुआ घी है वो भी आपके बर्तन में इकट्ठा हो जाए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन ये सब काम बड़े ध्यान से करना होता है। थोड़ा थोड़ा लोटे से बाहर भी आ रहा है, तो आप जब भी करेंगे तो बड़े आराम से करें, खुला बर्तन लें ताकि आराम से हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हो ये घी इकट्ठा हुआ है, मिलाई कम थी, हालांकि मैंने कहा आपको संडे टू संडे, लेकिन घर का घी है। तो ये ठंडा हुआ, मैंने इसको एक छोटे से बर्तन में डाल दिया। ये 200 ml का था, तो देख सकते हो उसको काफ़ी ऊपर तक ये आ गया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले रेफ्रिजरेटर फ्रिज से। बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ पर, ये लोग क्लीन तो कर देते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान जो है इसमें बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकेंड हमारा जो वर्क शुरू हो रहा है फ्रिज क्लीनिंग का। तो ये हमारे हॉस्टल में या कह सकते हैं हमारे किचन में एक रेड कलर का फ्रिज है, जिसके हालात जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग यूज़ करते हैं, कुक हमारा हमारी यूज़ करती है, लेकिन सामान जो है उसमें बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जो है रखा नहीं है। मतलब दोनों ही इसके जो फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो चुके हैं, और जहाँ पर बच्चे रहते हैं बड़े भी रहते हैं, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। हमेशा आप अपने आसपास सफाई ही रखनी चाहिए। तो चलिए साफ़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने देखा कि सारा सामान जो है वो बाहर निकाल लिया है। अब फ्रिज की जो है डीप क्लीनिंग शुरू हो गई है। फ्रिज साफ़ करने से पहले जितने भी इसके स्विचेस है वो आप बंद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक गर्म कपड़ा लिया है, गर्म मतलब गर्म पानी लिया है, जिसमें सॉल्यूशन डाल के इसको साफ़ किया है। फिर एक ड्राई क्लॉथ लिया है, फिर इससे जितना भी सॉल्यूशन या वेटनेस है उसको ड्राई किया। फिर दोनों तरफ से अच्छे से इसका डोर क्लीन करके अब ये फिनिशिंग की तरफ है। हफ्ते में एटलीस्ट एक वन टाइम तो हमें क्लीन करना ही चाहिए जहाँ पर साफ़ सफाई की बात आती है। तो ये चीज़ जो है, तो यहाँ आप हमारा फ्रिज जो है पूरी तरह से क्लीन है। अब इसको अरेंज भी कर लिया है, जितना वेजिटेबल्स वगैरह आया था यहाँ पर। आप कटा हुआ लेमन भी देख रहे हैं। कटा हुआ लेमन इसलिए रखती हूँ मैं ताकि कोई ज़्यादा बदबू ना आए, और कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई है, कुछ बची है, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी हालात। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:20, हाँ 4:20 हो रहा है। तो आज सारा दिन जो है आप लोगों के साथ मैंने अपना जो रूटीन है वो शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी नहीं भी हुई। अभी मेरा प्लानिंग था कि फेशियल करूँ, होम फेशियल। ये आप देख रहे हैं शहनाज का डायमंड फेशियल, पर अभी जो है वो बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में भी जो स्टूडेंट रहते हैं उनको भी पढ़ाना पड़ता है, उनका भी रेगुलरली होमवर्क चेक करना होता है। और कल मैं एक चीज़ और लेके आई थी, ये हेयर स्पा। वैसे तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको पार्लर में ही करवा लेना चाहिए, लेकिन मुझे पार्लर में ना ज़्यादा ऐसा लगता है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें घर पे जब भी टाइम मिलता है कर लेती हूँ। मतलब रेगुलरली मुझे नीड नहीं पड़ती है, कभी जाना हो कभी फंक्शन हो तो मैं इन सब चीज़ों को कर लेती हूँ। तो अब ये करूँगी मैं कल, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करने वाली हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और आपके पास अगर कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें मैम क्या नई चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। बाकी तो पूरा दिन ऐसा है कि वर्किंग डेज जो होते हैं वो बोरिंग ही रहते हैं, मतलब आप लोगों के लिए ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, एक जैसा शेड्यूल चलता है। लेकिन संडे को थोड़ा बहुत ऐसा होता है क्लीनिंग का या फिर कुछ नई चीज़ें, जब हम बाहर जाते हैं तो इसमें ट्रैवलिंग के व्लॉग भी डालते हैं। तो कोशिश करेंगे व्लॉग को और इंटरेस्टिंग का बनाने की, और आप लोगों को भी मज़ा आए, आप लोगों से कुछ मैं सीखूं, जो मुझे कुछ आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।